अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि अभी एक 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 घराना हम लेंगे। सबसे पहले दिल्ली घराना, जिसमें माइनकर साहब और उमेश मोगे और सपोर्ट अपने रविंद्र चारी, सुरेश जी, हम लोग आधा घंटा डिले में है, तो इस वजह से वो डिस्कशन का थोड़ा सा कुछ शॉर्ट कर बचा दें। नहीं, आपको हिंट नहीं, ऑडियंस को हिंट है। Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. तो हमारे जो पुराने उस्ताद लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, तब हमने किसी ने सुना नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस आया। आबन जी बात कर रही थी, जब हाजी विलायत अली खान साहब का नाम निकला तो लाइट्स आ गए। ये उनका अनहर्ड मेलोडीज है, किसी ने सुना नहीं है। ऐसी दूसरी व्यक्ति तबले में नथु खान साहब, शायद किसी ने उनको सुना हो, यहाँ बैठे हैं। उनका दुर्भाग्य से रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन ये ऐसे तबला वादक थे कि अहमद जान तिरकवा खां साहब, हबीबुद्दीन खां साहब, आमिर हुसैन खां साहब, ये तीनों मैं तबले के ब्रह्मा विष्णु महेश मानता हूँ। ये तीनों नथु खां साहब के तबले से प्रभावित हो गए, और इतने प्रभावित हो गए कि नथु खां साहब तो हबीबुद्दीन खां साहब ने तो वो तो शागिर्द बन गए। आमिर हुसैन खां साहब ने हैदराबाद में सुनने के बाद पूरा पूरब छोड़ के दो अंगुली का रियाज किया। हाथ बदलता हूँ मैं, दो धीरे धीरे भी दो अंगुली से निकाला, और ऐसा धीरे धीरे दो अंगुली से निकाला कि वो आमिर हुसैन, ये सब नथु खां साहब का इन्फ्लुएंस था। मैं दिल्ली घराने की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। और तिरकवा खां साहब तो नागेश्वर जी वगैरह कहते थे कि बिल्कुल इतनी नम्रता से तबला सुनते थे कि नज़र भी नहीं देते थे। तिरकवा खां साहब ऐसे नीचे बैठ के तबला सुनते थे। ये हस्ती नथु खां साहब थी। अगेन, इट इज अनहर्ड मेलोडी। अभी दूसरा जो कोटेशन मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, इसका थोड़ा असर ये कोटेशन अभी एक्सपीरियंस आप करेंगे। When Peter talks about Paul, you know something more about Peter than Paul. तो कोशिश तो मैं पॉल के बारे में बोलने की कर रहा हूँ, हाँ, माफ कीजिए। अभन जी ने बहुत सुंदर घराने का इसमें बताया है, इसलिए मैं ये ज़्यादा ये तो नहीं करूँगा। सुरेश जी ने बताया कि पखावज से तो तबला निकला है, मतलब दिल्ली वाले भी ऐसे तो कोई भी नहीं बोल सकेगा, लेकिन निकास की जब बात आ गई तो दिल्ली वाले ने बोला कि हमारा और पखावज का रिलेशन नहीं है। तबले का धा हमने लिया है, लेकिन निकास नहीं, निकास हम हमारा रखेंगे। और उनका ये भी बताया, शायद वो भवानी दास और उनके झगड़े में से और ज़्यादा स्पिरिट आया होगा कि नहीं, मैं तो पखावज से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखूंगा, शायद। लेकिन उससे फायदा हम सब लोगों का हो गया कि एक बहुत सुंदर शैली पैदा हो गई। अगर झगड़े से ऐसे कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो दे आर वेलकम, बराबर है। तब एक बहुत सुंदर शैली निर्माण हो गई जो दिल्ली की है। ये फिंगरिंग टेक्निक जो है वो दिल्ली ने पूरे हाथ से अंगुलियों में आ गए,
और आइडियली दो दो अंगुली, यहां भी दो और यहां भी दो पहली, लेकिन शायद यहां से थोड़ा सा दुबलेपन आता होगा इसलिए ये घे घे ऐसा चालू हो गया। और यहां जब तक मैंने तबला, मैंने दिल्ली का तबला जो इनाम अली खान साहब से सुना है और सीखा हो, तब यहां भी ये दो नहीं, ये भी लगेगा लेकिन ये सिंगल लगेगा, ऐसा ट नहीं लगेगा, ट ऐसा लगेगा लेकिन तेरे की ट का जो एंड है वो इनाम अली खान साहब इस अंगुली से बजाते थे। और उनका पर्पस भी एक ही है कि, और एक और एक मैं कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली के बारे में बोल रहा हूं, मैं दिल्ली का कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, अभिनिवेश मेरा ये नहीं है कि दिल्ली कैसा सही है, ये कुछ नहीं है, आई एम एक्सप्लेनिंग एज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑब्जेक्टिवली, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं ये बराबर है, ये डोंट ट्राई टू फाइंड एनी कंक्लूजन फ्रॉम व्हाट आई से। अभी उनके लिए उनके मन में, क्योंकि उनके मन में जब तिरकिट का विस्तार होगा तब धा तिरकिट फिर धा लाना या तिरकिट तिरकिट आ सकता है, तो अगर तिरकिट तिरकिट बजाना है तो तबले में ट यहां से लेगा तो फिर ती आता है, कन्वीनियंस के लिए ट यहां आया होगा। और एक गोल होगा कि हम तिरकिट तिरकिट बजाएंगे कहीं विस्तार में, जब तिरकिट तिरकिट बजाना है तब जब एक अंगुली का द्वित्व हम बोलते हैं उससे हाथ अटक जाता है, वो अटकना नहीं चाहिए, इसके लिए तिरकिट आ गया तो अगेन ये मैं तबला वादों के लिए नहीं बता रहा हूं, कल जो मैंने बात किया वो यहां भी है कि ये सब आप जो आगे बिल्कुल बैठे उनके लिए ये बात नहीं है, मैं और भी जो संगीत के प्रेमी लोग हैं इनके लिए मैं बोल रहा हूं। धा टिटकिट टिटकिट धा टिटकिट, ये निकलना आसान हो इसके लिए शायद यहां ये चालू हो गया, लेकिन इनाम अली खान साहब तो टिटकिट ऐसा ही बजाते थे और इतना खूबसूरत बजाते थे। तो अब इट इज ए मैनिफेस्टली स्विफ्ट एंड सॉफ्ट क्वालिटी तबला। अब ये स्विफ्ट एंड सॉफ्ट क्वालिटी जो चाट की नजाकत है, डेलिकसी है, वीकनेस नहीं, तब इसके लिए हम एक मिनट का, अगर वो बराबर पॉइंट पर है तो देखता हूं मैं, लतीफ अहमद का कितना नाजुक चल रहा है, थैंक यू।
इसीलिए मैं कंट्रोल यहाँ रखता था क्योंकि अच्छा तो दिल्ली में जब बात होती है तो कल की बात फिर आएगी थोड़ी सी कायदा पेशकार के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि कल हमने एट लेंथ डिस्कस किया और इनाम अली खान साहब का एक विचार भी हमने धा का कैसा विस्तार हो सकता है वो धा अलग अलग जगह से धा देखते थे वो और उस जगह से अलग जगह पर वो देखते थे मतलब उसका क्या हो सकता है मुझे कुंडली में जो शनि या गुरु होता है ना दूसरे ग्रह पर देखता है ऐसा दृष्टि होती है ऐसे इनाम अली खान साहब की हर मात्रा से जब चालू हो जाते थे वहाँ से उनको आगे का दिखता था और वहाँ वो लगता था इतना सुंदर चलता था और उसमें ड्रामेटिक ये नहीं था इफेक्ट नहीं था वो बिल्कुल प्यूरिटन थे आई एम नॉट कॉलिंग इट एज ए गुड और बैड क्वालिटी इट्स ए फैक्ट बिल्कुल प्यूरिटन होने के बिल्कुल जैसे बोलते एक शुचिर्भूत ब्राह्मण होता है ना मुझे स्नान ये वगैरह करने के बाद ये नहीं किसी को स्पर्श नहीं ऐसे तबले में बिल्कुल प्यूरिटन इनाम अली खान साहब रहे मतलब घराने का यही रहा इसीलिए इस घराने में से आवान जी अभी जो लिस्ट कर रही थी इतने लोग हो गए और हर आदमी ने दिल्ली का कुछ ना कुछ तो ले लिया ये पेरेंट घराना तरीके और जिसका आप तबला सुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ दिल्ली का इम्पैक्ट तो आता ही है तो शायद ट्रेनिंग में लेसन तो होता है हम स्कूल में सीखते हैं तो लेसन वन लेसन टू वो लेसन पहले कायदा थे हाथ ठीक करना है तो लेसन था शायद उस समय तिट का कायदा धाधा तिट धाधा देना बजाओ हाथ तैयार करो हाथ में वजन आना चाहिए लय पक्की होनी चाहिए तो तिट बिल्कुल बताया कि ये लेसन था और ये तबले में ऐसी बात बनी है कि शायद वो रियाज के लिए घर में हाथ तैयारी के लिए कुछ होगा लेकिन बाद में वो एक एस्थेटिक परफॉर्मेंस पीस हो गया वो उसकी जगह वो घर में नहीं रही धाधा तीट ये कायदा लोग कल ही मैंने बात किया एक मात्रा में अगर इस लहरा चलता है तो धाधा तीट धाधा देना धाधा तीट तो दो मात्रा में खाली भरी होती है लेकिन दिल्ली वाले ने बाद में उस कायदे को परफॉर्मेंस वैल्यू दी वो विस्तार मेरी तो दिल्ली का रियल स्ट्रेंथ जो है वो उसके विस्तार कल्पना उसके विस्तार के विचार जो है उससे यही कायदा जो घर में लेसन के लिए बात थी वो परफॉर्मेंस के लिए होगी धाधा तीटा बहुत लोग कम बजाते हैं लेकिन हम तो इनाम अली खान साहब को फरमाइश करते थे कि आज आप धातीट नहीं बजाए धाधा तीट बजाइए और धाधा तीट ऐसे ऐसा खुलना उनका होता था कि इमेजिनेशन के बाहर होता था एक छोटी सी बात ठीक है ना सुरेश धाधा तीट धाधा दिन्ना ताता तीट फास्ट
दादा तिट्ट दादा दिन्ना ताता तिट्ट दादा दिन्ना दादा तिट्ट धा तिट्ट धा दादा तिट्ट दादा दिन्ना ताता तिट्ट ता तिट्ट धा दादा तिट्ट दो पदरी हो गए दादा तिट्ट धा तिट्ट धा दादा तिट्ट दादा दिन्ना धा तिट्ट तिट्ट अभी धा पर विस्तार विराम आ गए धा धा तिट्ट तिट्ट धा धा तिट्ट धा दा दिन्ना ता ता तिट्ट तिट्ट धा दा तिट्ट धा दा दिन्ना धा धा तिट्ट धा दा दिन्ना तिट्ट धा दा दिन्ना धा धा तिट्ट तिट्ट धा धा तिट्ट धा धा दिन्ना ता ता तिट्ट ता ता तिन्ना तिट्ट ता ता तिन्ना धा धा तिट्ट तिट्ट धा धा तिट्ट धा धा दिन्ना धा धा तिट्ट धा धा दिन्ना तिट्ट धा धा दिन्ना धा तिट्ट धा दिन्ना तिट्ट धा धा तिट्ट धा धा तिन्ना धा तिट्ट धा दिन्ना इनामल लिखा सबने सोचा धा दिन्ना फ्रेज और ऐसे चालू हो जाते थे और उसका चार पदरी के बाद आठ पदरी और ऐसा उसका एक इसीलिए मैंने बोला सूत्र बीज है कायदा ये सूत्र बीज है तो बीज को जैसा एक छोटे का बीज होता है उसका वटवृक्ष कितना बड़ा होता है ऐसा कायदा बड़ा करने की क्षमता दिल्ली में दिल्ली के विचारधारा में है ये हमको और इसकी ये डिसिप्लिन या ये ट्रेनिंग सिर्फ उनके पास इनामली खा साहब के पास मैंने देखा मोहम्मद अहमद खा साहब आए नहीं है उनके पास भी है लेकिन कैसा कहां से बल निकलेगा उसके लिए जब पेड़ के लिए जब नया ब्रांच आती है ना तो एक जगह होती है वहां से ही ब्रांच निकलती है नया ऐसा इनामली खा साहब का सोच था कि कहां से क्या निकलेगा तब हम सोचते थे कि ये यहां से कैसे होगा धागे तक टकता था आज उसके हाथ को लग गया इसलिए दिल्ली वाले के हमेशा ऐसा बजाते थे फ्लैट नहीं बजाते हैं लेकिन आज वो ऐसा बजाएगा मुकेश उमेश हाँ धागे तक टकता था और एक आप देखेंगे जहां ट्रक कन्वीनियंट है वहां भी दिल्ली वाले तिरकिट लगाते हैं मतलब उससे मुश्किल होता है तो भी और तिरकवा खा साहब की एक कैसेट मैंने सुनी धाती धागे ना धात्रक धाती धागे धीना गिना बजे मतलब वहां सब दुनिया तिरकिट बजाती है तो तिरकवा खा साहब ने मतलब हर आदमी की सौंदर्य दृष्टि क्या होती है हा? हर आदमी की समझ है मैं सोचता हूँ कि ये कैसे सोचते हैं इनाम अली खा साहब बोलते हैं कि धागे तटकता धागे त्रक देंगे देना कि नहीं ये इजी है और तिरकवा खा साहब यही बजाएंगे इनाम अली खा साहब बोलते हैं ये तो त्रको तो शॉर्ट फॉर्म है हम तो घराने वाले हैं प्यूरिटन है हम तिरकिट बजाएंगे माफ कीजिए ये मेरे विचार है ढंग से वो खुलता है कायदा है? और दोहरा जब बजाते थे और ये मुट्ठी का के जो है ये हबीबुद्दीन खा साहब का धा धा कता घेना तेना कता घेना तेना कता कता घेना तेना कता घेना तेना घेना घे पर तो दाद मिलती है
लेकिन हबीबुद्दीन खान साहब के पर दाद लेते थे ऐसे, और इतना तूफान धारा कट गए ना, 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 ऐसा ऐसा एक कट, दो तीन कट, और कथा और घेना, सिर्फ कथा नहीं, तब खाली भरी वहां जो चलती थी वो अभी मैंने जो ये जो स्टेटमेंट किया है वो डेलिकेसी का गेघे लगता है, मतलब दिल्ली आजराड़े में ऐसा डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों का असर एक दूसरे पर तो होता ही रहा, और दिल्ली से आजराड़ा है भी पास में है, तो आना जाना, तब धागे ना के देने धागे तरकट देना, गेघे ना के देने धागे तरकट देना, गेना ये दिल्ली वाले का कायदा है, गेघे ना का दिन बोलते हैं तो हम बोलते हैं आजराड़ा है, बराबर है, लेकिन इनाम लिखा सा भी वजह से कायदे छोटे होते हैं दिल्ली वाले के, हाँ मुझे है एक जो इम्पोर्टेंट है वही बोलता हूँ, और आप मुझे सवाल नहीं करेंगे तो और टाइम मुझे मिलेगा, तो छोटा सवाल करें, अच्छा क्या बात है, दिल्ली में मेनली चतस्र जाति का तबला बजता है, अजराड़े में मेनली तीसर जाति का तबला बजता है, मेनली मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए दिल्ली वाले बोलते हम कम है क्या, और नथु का सब तो ऐसे थे कि उनके मन में उस दिन जो बात आ गई, हबीबुद्दीन खान साहब ऐसा ऐसी बात एक ही स्टेटमेंट किया था कि नथु खान साहब सोने के सही से तबला लिखते थे, जब वो बजाते थे तब वो कायदा बन जाता था, आज ये बन गया तो वो कायदा हो गया उनके लिए, दूसरे लोगों के लिए ये कायदा बन गया, नथु का साहब सोने के सही से तबले पर तबला लिखते थे, ये स्टेटमेंट हबीबुद्दीन खान साहब का है, इतना ग्रेट एप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट एक बड़ा आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को क्या दे सकता है, तब धाते धागे ना धातरगढ़ धाते धागे ते ना के ना ताते ताके ना तातरगढ़ धाते धागे, नथु खान साहब बोले धाते धागे ना तेना धातरगढ़ धाते धागे ना धागे तेना के ना ताते ताके ना तेना तातरगढ़ धाते धागे ना धागे तेना के ना धाते धागे ना तेना के धातरगढ़ धाते धागे ना धागे तेना के ना, इनामली खान साहब बोले ये तो तीसरा हो गई, ये तीसरा हो गई, ये चतस्र में तीसरे होनी चाहिए, सुरेश जो बात करते थे धाधी ना धाती ना रे 1 2 1 2 3 4, तो धाती धागे ना धातरगढ़ देना के ना धाती धागे धाते धागे तेना के ना ताते ताके ना तातरगढ़ तेना के ना धाती धागे देना के ना धागे ना धातरगढ़ देना के ना, और इसमें तिरगढ़ ऐसा लगता था मुस्कड़ात मार लगा मराठी जरा, मतलब एक थप्पड़ मार दिया ना, ऐसा तिरगड़े इनामा लिखा सबका लगता था, धाते धागे ना धातरगढ़ थे ना के ना धाते धाते धागे थे ना के ना ताते ताके ना तातरगढ़ थे ना के ना धाते धागे थे ना के ना, और ये दिल्ली हम तीसरे में जाएंगे लेकिन चतुर्थ नहीं छोड़ेंगे, हाँ 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 वो लेट है, क्या बात है, अच्छा तो अच्छा हाँ वो अभी हाँ वो रहना नहीं चाहिए, दिल्ली में पेशकार कायदा
रेला, दिल्ली में खास दिल्ली का है रेला ये बात। और दिल्ली वाले जैसा मैंने बोला कि एक ही परीक्षा अपने जो स्टेटमेंट किया उसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक या डेढ़ मिनट में देता हूँ कि हम सब मानते हैं, बिल्कुल इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, कि सबसे बड़े तबला वादक हम लोगों ने जो सुने हैं उसमें हम तिरकवा खा साहब को मानते हैं। पूर्ण तबला हम बोलते हैं, पूर्ण तबला। अब वो क्यों हो गया कि उनका पूर्वांग जो है वो दिल्ली आजराड़े का बजाते थे और उत्तरांग में पूरब बजाते थे, तो कंप्लीट तबला जो है, कंप्लीट तबला, वो उनके लिए उनका हाथ बहुत सुटेबल था। जब पूरब की बात निकलती थी, दिल्ली निकलती थी, तब दिल्ली का बिल्कुल हाथ ऐसा ही रखा जाता था और बजाते थे। अब ये ट्रेनिंग, अगर दिल्ली की ट्रेनिंग मिली थी, हाथ ऐसा हो जाता है तो उससे बाद में गत टुकड़ा बचता नहीं मेजॉरिटी लोगों का। इसीलिए परीक्षा तबला ये इनकम्प्लीट रहता है आर्टिस्ट का, उनका जो स्पेशलाइजेशन है उसमें वो बहुत बड़े होते हैं लेकिन पूरा तबला नहीं बचता है। और पूरा तबला दोनों अंग का, मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि तिरकवा खा साहब दिल्ली वाले से अच्छा दिल्ली बजाते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूर्वांग उत्तरांग दोनों उनका तबले का बैलेंस रहता था। और दिल्ली तबले में उत्तरांग जो है तबले का, दिल्ली वाले ने कोशिश की, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ, गते भी बनाई, टुकड़े भी बनाए और प्रेम से इनाम अली खान साहब, हाजी विलायत अली खान साहब की गत भी बजाते थे, हाजी साहब की गत ऐसे करके प्रेम से बजाते थे, पूरब से बजाते थे, लेकिन उनका हाथ जो है वो डेवलप हुआ था दिल्ली के लिए। और वो बोलते थे कि हम पेशकार कायदे से बाहर ही नहीं निकलते, हमको टाइम ही नहीं मिलता है, तो क्यों तुम्हारे गत टुकड़े की तरफ देखने का, पेशकार में मैं इतना फंस जाता हूँ, बाहर निकल कर निकलने का दिल ही नहीं होता है, तो ये क्यों गत टुकड़ा कथा घिना धीरेकत, कोई जरूर नहीं, मैं बजा लेता हूँ कथा घिना धीरेकत, लेकिन मजा आता है तो धाक धाते धाते टिकटे दामे मैं फंस जाता हूँ, ऐसा हो गया। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन मेरे दृष्टि से है कि तबला पूर्ण जब बजता है तब ऑडियंस में सब सुनने वाले होते हैं, टुकड़े से ज्यादा मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलता है, सम दिखाई देती है, मतलब ये जो कल की चक्रधार वगैरह थी ये मुश्किल है सम देना पब्लिक के लिए, कल तो आपने बहुत एडवांस तीनों ने ये किया, लेकिन जब घराने के टुकड़े ये चलता था, ये एक्सप्लेनेशन है। मैं अभी एक ही दिल्ली की गत बजा रहा हूँ, चार्ट पर गत कैसी बजती है, धा धाती धा धा धाती धा, और वहाँ ख़त्म करेंगे, ठीक है सुरेश। मुझे ख्याल है आपने सुन लिया, धन्यवाद। ये आपका दिल्ली का तो प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन आपकी गुरु भक्ति का भी प्रेजेंटेशन हुआ आज। यस, नाउ वी आर ओपनिंग द फ्लोर। सवाल माइनकर साहब, कई लोगों को सवाल जो पूछना है, छोटे सवाल जैसे कहे, लेकिन जरा माइक्रोफोन
एक इधर इसको जरा चालू करो। हाँ यस इट्स आपने जो बताया कि दिल्ली घराने की चाट कितनी मुलायम है, तो जरूर उसका हाथ का सेटिंग उसके ऊपर बहुत विचार किया होगा कि वो धा के नाक कैसी निकले उसका आवाज, तो हाथ का सेटिंग कैसे उसका होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है तो अंगूठे को ज्यादा उठाते नहीं है, इज इट करेक्ट? तो वो क्योंकि उसका आवाज इतना सुंदर निकलता है। वो सबसे सब्सटैंशियली इम्पॉर्टेंट कहा गया है सितार में, ये अप्लाइज टू तबला टू। और ये जो अंगूठा है ये गजरे पर रेस्ट होता है। हाँ, इसको उठाते नहीं। हाँ। और ये नॉर्मल जैसे हाथ रखते हैं। हाँ। ऐसे हाथ होना चाहिए। हाँ। तो रेस्ट होने से क्या होता है, दूसरे अंगुली को फ्रीडम। हाँ। या, या। ऐसे सात बोल तबले के जो है वो अगर आप बताए तो अच्छा, कौन से सात, जैसे धात वो तो अल्फाबेट है, नोटेशन में आ जाएगा शायद। There is a controversy, is it true? According to some, के साथ है, किसी के हिसाब से नौ है, किसी के हिसाब से दस है। मैं इससे पहले होते हैं ध्वनि स्थान, वो ही देखने चाहिए, फिर उसको अलग अलग शब्दों में कहते हैं, कोई ता को तीन कहते हैं, ता को ना कहते हैं, लेकिन ध्वनि स्थान की जो जगह है वो लिमिटेड फॉर्म में ही है।
कायदे की अनिश प्रधान, हाउ हैज द कायदा इवॉल्व्ड एज अ बंदिश फॉर्म? व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ द व्हाट इन्फ्लुएंस्ड द कायदा? क्या आपने बुजुर्गों से सुना था इसके बारे में? क्योंकि मेरे जनरेशन में मैं समझता हूँ कि वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन बिटवीन द वेरियस मीडिया, यू नो, बिकॉज वी आर लुकिंग एट तबला ओनली इन अ वैक्यूम, दैट द रेपर्टुआर हैज डेवलप्ड ओनली इन अ वैक्यूम, वेयर एज इफ वी कैन री एस्टैब्लिश द कनेक्शन देन वी विल लुक एट म्यूजिक इन अ मोर होलिस्टिक मैनर. आई थिंक वी वुड परहैप्स बी बेटर तबला. हाँ, मैं ये कहूँगी कि सिताब खान साहब, फिर एक मुल्ला हकीम मोहम्मद करम इमाम के उपरांत भी एक और पुस्तक छपी है जो दिल्ली घराने के कायदे उस पर लिखे गए हैं, और ये सारी पुस्तकें 1855 और 50 के आसपास लिखी गई है और छपी हुई है. उस पर कायदे सभी छपे हुए हैं, दिल्ली के कायदे. तीन वैसी भाई ने पुस्तक देखी है बनारस जाकर के, और उसमें ये तीन पुस्तकों में ये कायदे छपे हैं, और वो उर्दू की पुस्तकें हैं. तो उस समय के इसमें भी वो दिल्ली के कायदे 1855 में वो थे, माने इतने प्रसिद्ध हुए होंगे तभी तो वो छपे होंगे ना. इंस्पिरेशन तो ये नहीं हो सकता. सॉरी, मैं सुरेश सावलकर. ये कल जो मैंने भी बात की कि फखावत से संबंधित ये साधना है, आपने भी बात की कि सिर्फ निकास अलग है, तो ये रचना शास्त्र वाकई आप मानते हैं क्या कि इससे फखावत से दादा तेते दादा दिनता से इंस्पिरेशन दादा तेते दादा दीना की नहीं हो सकती है? थोड़ा अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं मिलते तो लॉजिकल तो सोचना तो चाहिए. धारा कर दाते थे धागे त्रक धिकते धागे ना, ऐसा कहते हैं तो धारा कर दाते थे धागे त्रक दीने दीना की नहीं, ये नहीं हो सकता है. लॉजिकल सोचना एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सोचना तो चाहिए, और फिर ये हो सकता है. हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नक्काशियों को इंटरव्यू किया, उस दौरान मैंने देखा कि उनके वादन में भी धाते धाते धाधा बजता है और उसके बल भी बजते हैं. यही नहीं, लेकिन नौटंकी में जो नकारा बजता है उसमें दो टाइप के ताल बजते हैं, पूरा और उनी. पूरा मतलब जो इवन मात्रे के होते हैं, 4-8 वगैरह, लेकिन 9-13-11, सो देर इज़ ए सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ओवर देयर ऑल्सो, यू नो, विच वी आर नॉट लुकिंग एट. We are only looking at a particular aspect. I am not saying that Pakhawaji is not influencing, but we have to look at folk idiom also. चालू कर दीजिए.
मैं देखिए, आप लय शास्त्र का जो विचार करेंगे तो कोई भी परकशन इंस्ट्रूमेंट में आप चौघड़ा भी, मतलब महाराष्ट्र में जो चलता है ये भी चलता है, सब जगह 1-2 and 1-2-3 इज ए बेसिक रिदम। तब कोई भी आदमी का हाथ तैयार हो जाता है, सतार में भी दारादा दारादा दारा चलता ही है, मतलब थोड़ा सा मेरा लड़का सितार सीखता है इसलिए मुझे मालूम है, वो दारादा दारादा दारा तो धातीटे धागा से वो आया है, या इट्स अ बेसिक रिदम यू विल फाइंड इन ऑल द इंस्ट्रूमेंट, वो किससे आया नहीं है। जब मुझे करता तो 1-2-3, 1-2-3, 1-2 चालू हो जाता है। तो गाने वाले भी अगर उनको पलटा कुछ करना है तो सारे के सारे के सारे करेंगे। अभी वो धातीटे धागा से आया है या नकारे से आया है या उससे आया है उसका सवाल नहीं, ये बेसिक रिदम है 2 and 3। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 से हमारे ये 5 जाति बन गई। तो ये जिसकी प्रतिभा, हबीबुद्दीन खास साहब साल में एक दिन ताशा बजाते हैं, और सक्सेना साहब मोहर्रम में, और वो ताशा बजाते थे तब सक्सेना, उनके जो खलीफा थे वो ढोल बजाते थे, और जब वो हाथ में लेते थे, अब देखिए अजराड़े के तबले में ताशा का इन्फ्लुएंस है, वो एक ताशा आप छड़ी करो तो टर होता है, वो टर है दिन दंग ये ताशा का है, ये इन्फ्लुएंस है। अब ताशा से अजराड़ा बना ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ताशा से उस रिदम का एक्सपांशन में उसको उन्होंने, उनकी प्रतिभा लगा के वो डेवलपमेंट हो।